हेलो, मैं RSK सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज डिस्कस करेंगे यानी कि एम्पलीफायर पे सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे DMRC का पेपर हो, चाहे UPSC LTTE 2 का पेपर हो, चाहे UPRVNL का पेपर हो, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम का पेपर हो, सभी को यानी कि बारी बारी से देखेंगे जो एग्जाम में आने का संभावना है। तो चलिए, सबसे पहले आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, क्लास ए प्रवर्धक की परिपथ दक्षता किस विधि से बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि दिष्ट युग्मक भार से। तो दोस्तों, यानी कि इसके द्वारा इसको यानी कि बढ़ाया नहीं जा सकता है एम्पलीफायर का, ठीक है। और बी में दिया है यानी कि निम्न DC पावर निवेश से इससे भी नहीं बढ़ा सकते हैं। और सी में दिया है ट्रांसफार्मर युग्मक का। तो दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर युग्मक का उपयोग करके यानी कि इसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि राइट इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है अधिक शक्ति संकेतक शक्ति प्रवर्धक में वर्ग AB प्रचालन किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, AB प्रचालन किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है संग्राही का क्षय कम करने के लिए। चलिए, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, परिवहन विकृति दूर करने के लिए। सी में दिया हुआ है यानी कि सम सनांदी दूर करने के लिए। और डी में दिया अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, AB का प्रचालन जो करते हैं यानी कि अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर राइट इसका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकता है? तो दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वर्ग ए जो होता है ये तो कम होता है, उसके बाद बी भी कम होता है और ई भी कम होता है, लेकिन सी जो होता है यानी कि सबसे अधिक तापमान को सह सकता है, लगभग यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसको यानी कि सहन करने की क्षमता इसमें होती है। तो राइट आंसर इसकी बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की शक्ति दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों, वर्ग ए की बात हमसे कह रहा है, तो इसका होता है यानी कि 20 से लेकर के यानी कि 35% के रेंज में होता है, ठीक है, इसके अप्रोक्स में होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैच खा रहा है, लेकिन हमको तो यानी कि टिक करना है, क्योंकि कोई भी आंसर, देखिए 50 तो बहुत ज़्यादा होगा इसको नहीं ले सकेंगे, और 60 भी बहुत ज़्यादा होगा इसको भी नहीं ले पाएंगे, और 68 भी तो और ज़्यादा है, लेकिन 38 जो है यानी कि दोस्तों, यानी कि 20 और 35 के एवरेज में यानी कि इसको यानी कि गणना कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38%, ठीक है, ध्यान रखें 20 से 35% होता है इसका। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है, आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक होता है? तो दोस्तों, यानी कि आदर्श की अगर बात पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, आइडियल की बात हमसे पूछ रहा है, तो आदर्श का जो यानी कि शोर गुणांक होता है बराबर में 0 dB होता है, ठीक है, कितना होता है 0 dB होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट इज डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट इसका डी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आदर्श OP एम्पलीफायर। दोस्तों, OP एम्पलीफायर का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, OP का मतलब यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब चलिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनंत वोल्टता लाभ, ठीक है भाई, बी में दिया है अनंत इनपुट प्रतिबाधा, चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, और सी में दिया है शून्य आउटपुट प्रतिबाधा, और डी में दिया है अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिबाधा और शून्य आउटपुट प्रतिबाधा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न दिया है, यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जन का धारा लाभ क्या है? दोस्तों, यानी कि अगर कह रहा है प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ का धारा लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि बढ़ेगा, बी में दिया है घटेगा, और सी में दिया है प्रवर्तित रहेगा, डी में दिया है बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा ये यानी कि घटेगा, क्या होगा यानी कि घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन UPRVNL TTE 2 2015 में क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी है जब, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि उच्च धारा लाभ की आवश्यकता हो, बी में दिया है निम्न आउटपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो, सी में दिया है यानी कि निम्न इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो, डी में दिया है यानी कि उच्च वोल्टेज लाभ और निम्न आउटपुट हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो
ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न इनपुट प्रतिबाधा की आवश्यकता हो तब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एसी और डीसी वोल्टता आरोपित करता है, ये भी बात सत्य है भाई। बी में दिया हुआ है यानी कि इनपुट एवं आउटपुट सिग्नलों के माध्यम कपलिंग बढ़ाना। ठीक है, इनपुट एवं आउटपुट के माध्यम से कपलिंग बढ़ाना, तो कपलिंग तो बढ़ाता नहीं है, कपलिंग तो यानी कि स्थिर डिवाइस है जो कहीं पे यानी कि सेट रहता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। अब चलिए सी में दिया ट्रांजिस्टर की आधार एवं संग्राहक धारा को युग्मित करना, ऐसा भी नहीं करता है। डी में दिया डीसी वोल्टेज लाभ को बढ़ाना, ऐसा भी नहीं होता है भाई। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिति और परिवर्तित लोड लाइन भिन्न रहती है जब। ऑप्शन ए में कह रहा है निर्गत पर एक संधारित भार लगता है, पी में दिया है अगर पोर्ट पर एक कपलिंग संधारित लगता है, डी में दिया है ताप कर्म के साथ संग्राहक प्रतिरोध बदलता है और डी में दिया है निर्गत में कपलिंग संधारित से एक प्रतिरोधक भार लगा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए